चलो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट की पहले बात करेंगे। लिमिटेड एडजस्टमेंट देखो इधर टोटल 32-31 एडजस्टमेंट टोटल है तुम्हारे सिलेबस में, बट यहाँ पे देखो टोटल 6-7 एडजस्टमेंट आएगा, मतलब 5-6-7 एडजस्टमेंट, मैक्सिमम 7 हो सकता है, मतलब 5-6 एडजस्टमेंट आएगा, जिसमें से 3-4 एडजस्टमेंट ही ना ये लिमिटेड मतलब इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है इसी में से आएगा। पहला जैसे इंपॉर्टेंट हो गया और ये तो 100% आएगा, कौन सा एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट तो सब लोग रट लो क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो कंपलसरी आएगा। इसका अगर इफेक्ट की बात करोगे एडजस्टमेंट का, कहाँ दो इफेक्ट जाएगा, एक हमारा ट्रेडिंग का क्रेडिट, ये कंपलसरी है, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। तो अगर जो फॉर्मेट बनाना फाइनल अकाउंट का पहले से ही लिख सकते हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में नीचे उधर पे लिख दो और असेट में लास्ट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट सही रहेगा, दूसरा इफेक्ट गलत है तो उसका नंबर मिलेगा 0। एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट पे नंबर नहीं है, दोनों इफेक्ट होना चाहिए, तो ये चीज़ भी याद रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन किसका चार्ज होता है? फिक्स एसेट पे। तो जो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना वो असेट से कर देना माइनस, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करना, डेप्रिशिएट फर्नीचर तो फर्नीचर से माइनस करना, डेप्रिशिएट जिस पे भी बोलेंगे मोटर कार तो मोटर कार से माइनस करो, और असेट से माइनस मतलब पीएनएल का डेबिट हमारा लॉस है, असेट से माइनस मतलब असेट कम हो रहा है तो अपना पीएनएल का डेबिट जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बैड डेट्स, फाइनल अकाउंट में एप्रिसिएशन नहीं आता है। बैड डेट्स की बात करोगे तो बैड डेट्स मतलब जो पैसा अब रिकवर नहीं होगा, तो डेटर से माइनस और सेकंड पीएनएल का डेबिट जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स वाला भी आता है। बैड डेट्स नहीं आएगा तो आईडीडी आएगा, आईडीडी का भी सेम ट्रीटमेंट है, डेटर से माइनस करने का और पीएनएल का डेबिट। जैसे आईडीडी अमाउंट में भी दे सकता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, 10% बोल दिया तो डेटर का जो अमाउंट है ना उस पर 10% निकालने का, या फिर अमाउंट डायरेक्टली बोल दिया 1000 तो 1000 माइनस होगा, पीएनएल का डेबिट जाएगा। बैड डेट्स का भी सेम, आईडीडी का भी सेम, एंड लास्ट इसी के साथ एक और चीज आता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो तीन एंट्री का सेम ट्रीटमेंट है, डेटर से माइनस होएगा, पीएनएल का डेबिट जाएगा। इतना लेकिन याद रखना कि बैड डेट्स पहले माइनस होता है, आईडीडी सेकंड माइनस होता है, तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस होता है, क्योंकि कोई कोई सब में कन्फ्यूजन कर देते हैं, आईडीडी ऊपर लिख देते हैं बैड डेट्स नीचे कर दिए, तो बहुत लोग आईडीडी पहले माइनस किए बैड डेट्स बाद में माइनस किए, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले बैड डेट्स ही माइनस होगा, देन उसके बाद आईडीडी एंड लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट एंट्री की बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग पूछा जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? अनपेड बाकी है तो प्लस होगा, जो भी एक्सपेंस बोला है आउटस्टैंडिंग रेंट बोला ना तो रेंट में प्लस करो, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला तो वेजेस में प्लस करो, जो भी मतलब बोला है उसमें प्लस करने का। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा? लाइबिलिटीज में जाएगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया अपना, तो आउटस्टैंडिंग इनकम। चलो आउटस्टैंडिंग वर्ड जब आता है तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बताया था मैंने? प्लस, चाहे इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो। अब इतना देखो इधर, एक थोड़ा सा लॉजिक भी दिमाग भी लगा सकते हो, एक्सपेंस में प्लस होना, एक्सपेंस में प्लस होना मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है इसलिए मैंने कर्जे में दिखाया। इनकम में बढ़ना, इनकम में बढ़ना मतलब अपोजिट समझ लो,
एसेट्स मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्सपेंस है, एक एंट्री तो कॉमन है, दोनों में प्लस कर देना है। एक्सपेंसेस में प्लस होगा, लायबिलिटीज में दिखाना है, इनकम में प्लस होगा, एसेट दिखाना है। चलिए फिफ्थ हो गया, सिक्स एंट्री की बात करेंगे। पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग दिखाते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ में प्रीपेड इनकम। अब ये आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। प्रीपेड में हम लोग आउटस्टैंडिंग में क्या किया था माइनस, प्रीपेड में क्या करने का, आउटस्टैंडिंग में प्लस किया तो प्रीपेड में माइनस करो। एक्सपेंस बोला है तो एक्सपेंस से माइनस कर दो, इनकम बोला है इनकम से। अब दूसरा इफेक्ट खुद से दिमाग लगाओ, एक्सपेंस से माइनस मतलब मेरा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट इनकम से, इनकम से माइनस मतलब मेरा इनकम कम हो रहा है। ये पहले सात तो एकदम कंपलसरी याद कर दो, क्योंकि देखो इधर पांच एडजस्टमेंट अगर तुम लोगों को सम में आया तो मिनिमम बता रहा हूँ तीन से चार एडजस्टमेंट ना इसी में से रहता है, एटलीस्ट तीन तो एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, तीन तो यही रहेगा, एक या फिर दो एडजस्टमेंट डिफरेंट रहता है तो वो तो कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले ये सात एडजस्टमेंट क्या करो, क्लियर कर दो। सात एडजस्टमेंट क्लियर जिसका रहेगा उसके बाद ही इसके आगे वाला टॉपिक्स क्या करना प्रैक्टिस कर लेना। समझा कि नहीं समझा?